बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस चैप्टर में कई बच्चों के डाउट रहते हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो आज बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाले हैं, और अगर इससे पहले के भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, और वहाँ पे क्लास 5th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको इनसे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं अगर किसी में भी डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, राइट। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स बेस कह रहे हैं आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस ऑन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? एडिशंस होता है, सब्ट्रैक्शंस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवीजन होता है, राइट। ये 4 तरीके का ऑपरेशन है, राइट। फंडामेंटल अगर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये 4 ऑपरेशन होता है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड होता है। तो इस चैप्टर के जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसमें इस चारों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, राइट। इसीलिए ये वर्ड कहा गया है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। मतलब 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से आपको ये चीजें दिया गया है, राइट। सो देखते हैं बच्चों, पहला कह रहा है हाउ मेनी 1/5 आर देयर, राइट। तो कह रहा है हाउ मेनी 1/5 अगर कहीं पे लिखा रहता है, इसका मतलब होता है 1/4। अगर 1/4 होता है, सॉरी 1/5 है बच्चों, तो 1/5 ही होगा। अगर 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। 1/5 6 होगा तो 1/6 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गया, ओके। तो 1/5 अब 200, तब इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 और एक जीरो बच गया तो 40, तो 40 इज योर आंसर, राइट। सो अगला कोई एग्जांपल में देखो, अगर हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ सीड्स वेइंग 2/3 kg कैन बी मेड ऑफ 30 kg। तो सिंपल से बच्चो आपको क्या करना है, 30 kg डिवाइड बाय क्या होगा, 2/3 है ना। तो आपको क्या करना है, 30 into क्या करोगे, 3/2। अब इसको डिवाइड कर दो 15, तो क्या निकल के आ जाएगा, 45 kg हो जाएगा, है ना। 45 packets लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 45 packets आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा है ना, क्योंकि ये पूछ रहा है हमें कि कितने पैकेट्स है, तो टोटल पैकेट्स कितने हैं, 45, राइट। चलो तब देखते हैं इनके एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। एग्जांपल तो आप खुद भी कर लेते होंगे, है ना। चलो अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को देखो, क्या कह रहा है 4.6 में। फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एंड अ नंबर्स, राइट। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एंड अ नंबर इज 63, फाइंड द नंबर्स, राइट। तो इसमें हमको नंबर्स बताना है, कैसे बताएंगे, राइट। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में इन एक्सरसाइज को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप अच्छे से समझ भी पाओगे, राइट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर एक्स मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं था, और जो भी निकालना होता है ना बच्चों, उसे हम लेट कर लेते, हमने लेट कर लिया एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर है उस नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 63 देता है, कह रहे हैं ना यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ एंड अ नंबर इज 63। तो नंबर तो हमने x माना और प्रोडक्ट क्या 9/7, ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करा मैंने, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो 9x आया। तो 9x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर चला जाएगा 7। तो 9x इक्वल्स टू क्या हो गया, 63 into 7, फिर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 63 into 7/9। तो इस 9 से इसको डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 7 जा 49, तो वो नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा। क्या होगा, 49 हो जाएगा, राइट। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, x की जो वैल्यू निकल के आएगा वो 49 आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंस अबाउट 6 whole 1/2 kg ऑफ मैंगो, इफ द कॉस्ट 1 kg ऑफ मैंगो इज 12 whole 1/2, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगो। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि प्रिंसी जो है वो इतना केजी मैंगो खरीद के लाता है, मतलब 6 whole 1/2 kg खरीद के लाता है,
और 1 केजी का जो प्राइस है बच्चों वो इतना है। तो बताइए टोटल मैंगो की वेट कितनी, सॉरी प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है? तो प्रिंसिप बाउट ऑफ मैंगो 6 होल 1/2 केजी, दैट मीन्स 13/2 केजी, इतना केजी उन्होंने क्या किया, खरीद के लाया, मतलब 6.5 केजी खरीद के लाया। और 1 किलो का जो दाम है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगो इज 25/2 रुपीज, 25/2 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 केजी का जो है बच्चों इतना रुपया है, तो इतनी केजी का कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, तो मैंने भी वैसे किए हैं, राइट। तो 13/2 × क्या होगा, 25/2। तो देखो यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है, तो कटेगा नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 13 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 32 325/4। अब इसे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या होगा, 81 होल 1/4, दैट इज योर आंसर। ये क्या होगा, उनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6.5 केजी मैंगो का, 81 1/4 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहे इन अ क्लास 3/5 और 45 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास 3/5 और 45 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब टोटल जो स्टूडेंट है ना बच्चों वो क्या है, 45 है, जिसमें से 3/5 पार्ट जो है वो बॉय है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ गर्ल्स कितना है, तो सिंपल से 45 का 3/5 निकाल लो, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा, 3/5 × 45, तो क्या हो गया बच्चों, इससे कट गया 9, 9 3 27 27 जो है वो बॉयज है और बाकी जो होगा वो गर्ल्स होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स करोगे तो 45 में से 27 लेस कर दो तो 18 क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, राइट। 18 क्या होगा बच्चों, गर्ल्स हो जाएगा, 27 क्या होगा, बॉयज हो जाएगा। क्लियर? तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गया, दोनों मिला गया तो आपको क्या होगा, 45 निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप इजी क्वेश्चन था और समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है देयर वॉज अ 7/4 ml ऑफ जूस इन द बोतल्स, रोहन ड्रिंक 2/5 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन इट, फाइंड द रिमेनिंग। सिंपल कह रहा है एक बोतल है बच्चों, मान लो कि एक कैन है या एक बोतल है, ठीक है, ये बोतल में कह रहा है कि 7/4 ml जूस है जिसमें से वो 2/5 ml उन्होंने ड्रिंक कर लिया, तो कितना बचा, सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो टोटल जूस इन अ बोतल मैंने लिख दिया, टोटल जूस ड्रिंक कितना किया, तो रिमेनिंग, टू फाइंड द रिमेनिंग जूस, तो 7/4 - क्या होगा, 2/5, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आ जाएगा, राइट। एलसीएम लोगे तो 20, फिर इसे इसको डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो 35, फिर 4 से इसको डिवाइड करो तो सॉरी 5 से डिवाइड करो तो 4 2 8, तो 35 में से 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, सो 35 लेस करेंगे तो 27/20 आ गया, और 27/20 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे बच्चों तो 1 होल 7/20 मिलीलीटर आ जाएगा, ml आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ml लिख सकते हैं। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। द हेल्थ क्लब एडवाइस एवरी डे अ चाइल्ड टू ड्रिंक अ 1/2 लीटर ऑफ वाटर इन अ मॉर्निंग, 1 लीटर इन आफ्टरनून एंड 1/2 लीटर बिफोर गोइंग टू बेड, सो हाउ मच वाटर शुड अ चाइल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे, तो उस डे कितने वो पानी पिया। तो सिंपल है बच्चों, मॉर्निंग में कितने पानी लिया उन्होंने, आफ्टरनून में कितने लिया और बिफोर गोइंग टू बेड कितना लिया, तो सबको ऐड कर दो तो 1/2 + 1 और 1/2, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4/2 यानी 2 लीटर आ जाएगा, राइट। बच्चों इसका जो आंसर है ना बुक में जो आंसर दिया है ना वो रॉन्ग है, क्या है बच्चों, वो मिसप्रिंट है, आप ये कह लीजिए है ना, 2 लीटर ही आएगा। सिंपल सी बात है, जब मॉर्निंग में उन्होंने 1/2 लीटर पानी लिया, राइट, और आफ्टरनून उन्होंने 1 लीटर पानी लिया और बेड पे सोने से पहले उन्होंने 1/2 लीटर पानी पिया, तो दो टोटल तो 2 ही लीटर हुआ ना, लेकिन बुक में जो इसके आंसर है बच्चों वो मिसप्रिंट है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 6 में क्या कह रहा है, सिव वॉक कह रहा है सिव वॉक्ड 5 होल 7/8 किलोमीटर एंड कह रहे साउन वॉक 4 होल 3/4 किलोमीटर ड्यूरिंग द वीकेंड,
Who walk more and how much? सिंपल सी बात है बच्चों, ये देखो 5 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो पहले ही देखने से लग रहा है ये जो शिप है वो ज्यादा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है ये 4 किलोमीटर है, तो शिप वॉल क्या होगा, मोर होगा। तो हमसे ये भी पूछ रहा है हाउ मच, कितना कितना ज्यादा, राइट। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन कर देना, राइट। तो क्या करोगे, 5 होल 7/8 किलोमीटर माइनस क्या होगा, 4 होल 3/4 इतना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 47/8 माइनस 19/4, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 8 आ जाएगा, इसे इसको डिवाइड करें 1 को 47 से मल्टीप्लाई करो एज इट इज आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे 38 आएगा, 47 को 98 से 47 को इससे लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 38 को 9 आ जाएगा, और 9 में फिर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 1 जा और 1 होल 1/8 आ जाएगा। मतलब कैसे आता है, आप सिंपल बच्चों आपको डिवाइड करना आता है, कई बार मैंने बता रखा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 1 होल 1/8 यानी 1 होल 1/8 इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखते हैं, यहाँ रिमाइंडर को लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइजर लिखते हैं, राइट। तो ये निकल के आ जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है आपके पास। 7 में दिया है रवि एट 1/4 of 8 slice पिज्जा, एक पिज्जा है बच्चों, जैसे मान लो ये पिज्जा है, ये इनके कितने हैं, 8 slice है, कितने हैं, 8 slice है, जिसमें से ये 1/4 जो है ना वो खा लेता है, राइट। तो स्लाइस फाइंड द रिमेनिंग पिज्जा, तो सिंपल रवि एट 1/4 of pizza, तो 2 pizza वो खा लेता है, 2 piece pizza खा लेता है, तो बचता है कितना है, तो 8 में से 2 को घटा दो तो कितने स्लाइस बच जाएंगे बच्चों, 2 slice बच जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी 6 slice बचेगा ना बच्चों, 8 में से अगर आप 8 में से 2 लेस करोगे तो क्या होगा, 6 slice हो जाएगा, राइट। तो ये था आपके पास, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 6 slice। चलो एक क्वेश्चन और है बच्चों, उनको भी है कि अ टेलर नीड्स, कह रहा है एक टेलर है बच्चों, उसको नीड्स है 1 होल 1/4 meters ऑफ क्लॉथ्स टू मेक अ एक शर्ट, यानी 1 शर्ट को बनाने के लिए उसको 1 होल 1/4 meter कपड़ा चाहिए। तो कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ डज नीड टू मेक 12 शर्ट बनाने के लिए उसको कितने कपड़े की नीड होगी, राइट। तो सिंपल है बच्चों, 1 शर्ट बनाने के लिए उनको 1 होल 1/4 meter कपड़ा चाहिए, दैट मीन्स 5/4 meter कपड़ा चाहिए, तो 12 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो 5/4 into क्या हो गया 12, तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12 तो 5 3 15, मतलब 12 शर्ट बनाने के लिए उनको कितने मीटर क्लॉथ चाहिए बच्चों, 15 मीटर क्लॉथ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 12 शर्ट्स को वो बना देंगे। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट करके मुझे बता सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।